आप ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए कोई बात नहीं है। आप बड़े भाई हैं, मार सकते हैं। बहुत शुक्रिया यार। ऐसे ये हादसा हुआ कहाँ था? वो क्या नाम है उस जगह का? रीगल चौक। रीगल चौक बड़ी महबूस जगह है। ठाकुर तू, अरे मेहनत करने में कोई बुराई है क्या? मेहनत और तू, मैं सारी उम्र भाई को खाता रहा, जुआ खेलता रहा, लोगों को लूटता रहा, और अब तुम मेहनत की बात कर रहे तो उसका नुकसान क्यों उठा लिया मैं? नुकसान? कौन सा नुकसान? मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरा बच्चा मर गया। काफी जो 10 सालों से मैं लोगों से लूट रहा था ना, वो अल्लाह ने एक ही झटके में मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। बहुत अफसोस। बस यार जो बोया था वो काट लिया। अगर शराफत जितना तू साल भर में कमाएगा रिक्शा चला के, फिर उतने तो तू एक रात में पत्ते लगा के कमा सकता है। नहीं काकू, अब अगर मैं इस राह पर चला ना तो और बड़ा नुकसान होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार। भाई तू कितना बदल गया। तू भी बदल जा, इसी में आप गया। मैं चलता हूँ, मुड़ने का टाइम हो। ये शराफत ही था या कोई और? जेदे, अम्मा है? हाँ शराफत भाई, अंदर जा रही हूँ। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है खाला? मैं ठीक हूँ, तू सुना बेटा। खाला एक बात तो बता, तूने उस दिन ये बात क्यों कही थी कि चंदा की गोद खाली है? वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। ऐसे मतलब? मतलब तुझे छेड़ने के लिए, तपाने के लिए मजाक कर रही थी और मैंने क्या कहना था? जानती हो खाना, मैंने जाते ही चंदा का टेस्ट करवाया था। उस वक्त तक सब ठीक था। सब ठीक था उस वक्त तक? मतलब ये कि चंदा का एक्सीडेंट हुआ और मेरा बच्चा। क्या? मगर कैसे? अम्मा और चंदा अनायत के साथ बाइक पर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरा बच्चा मर गया। खाला तूने तो बात मजाक में की थी लेकिन बात पूरी हो गई। तुमने अभी क्या बताया, ताहरा भी साथ थी? हाँ, अम्मा ही तो चंदा को लेके गई थी बाजार। इसका मतलब है कि इस राज में ताहरा चंदा का साथ दे रही है। खाला चुप क्यों हो गई? अरे तूने तो सदमे का शिकार कर दिया, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शोहर अल्लाह की मर्जी, लेकिन एक बात तय है खाला, कि तेरी जुबान काली है, तू जो बात कहती है वो पूरी हो जाती है। तू दुआ कर लो कि मेरी चंदा की गोद फिर से हरी हो जाए। तुझे कैसे बताऊं बेटा कि चंदा अब तुझे बाप नहीं बना सकती। फला दुआ दो तो फिर मैं जाऊं। अल्लाह तुम्हारी हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी करे। हाँ मैं चलता हूँ खाला।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये दे दो प्लीज। क्या बात है इनायत, डॉक्टर से मिलने के बाद तुम चुप क्यों हो गए? मैंने शादी के लिए 6-7 लाख रुपए तो जमा किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख रुपए किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। तुम शादी पे इतना खर्चा करोगे? अरे शादी के खर्चे की बात नहीं कर रहा, चंदा भाभी के इलाज की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख रुपए जमा होंगे। और बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? डॉक्टर ने तो 50-60 लाख तक का खर्चा बताया। यही तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देंगे इंशाल्लाह। कितने पैसे हुए? थैंक यू। मैं हट्टी कट्टी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये दवाएं मेरी है ही नहीं। अगर चंदा तो कह रही थी कि ये दवा आपकी है। नहीं बेटा, उसने तुमसे मजाक किया होगा, पूछो जाके उससे ये किसकी दवाएं हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। क्या कहा डॉक्टर ने? भाभी वो डॉक्टर ने कहा है कि चंदा पहले से बेहतर हो गई है। तो फिर ये दर्द की शिद्दत क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? तुम झूठ बोल रही हो फौजिया, इन्हें तुम बताओ। भाभी वो मेरी बात का यकीन करो चंदा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब बेहतरी की तरफ जा रही हो, और मालूम है डॉक्टर रहमान ने तुम्हारी मेडिसिंस भी बदल दी हैं। क्यों इनायत, बताओ ना। हाँ फौजिया ठीक कह रही है भाभी, अब आप पहले से बहुत बेहतर हैं। मैं जरा फ्रेश हो गया, आप लोग बातें। मैंने डॉक्टर से दवा लिखवा ली है, ये गोली एक रोजाना लेनी है ताकि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती माना बन सको। ठीक है। अच्छा चंदा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। और यार रुक जाओ ना थोड़ी देर और। नहीं चंदा पहले ही बहुत देर हो गई है, मगरिब की अजान होने को है, अम्मा जान से मार देंगी। मैं इनायत को बोलती हूँ मुझे छोड़ के आए। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। अभी तक जाग रही है। आपका ही इंतजार कर रही थी, मैंने सोचा एक दफा खाना दे दूं फिर ही लेटूंगी। नहीं खाना तो मैं खा के आया हूं। तेरी तबीयत कैसी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। आप इतनी देर तक कहां थे? रिक्शा चला रहा था। क्या? अम्मा हमेशा कहती हैं कि मैं नखट्टू हूं, कमा नहीं सकता, मेहनत नहीं कर सकता। ये देखो आज मैंने ये पैसे कमाए। मुझे बहुत खुशी हुई है। आप एक काम करें, आप ना ये पैसे जाके अम्मी जान के हाथ में रखें, बहुत खुश होंगी वो। अम्मा को देख के आता हूँ। तुम मोटा हो गए?
शराफत ने कमाई शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। हाँ वालेकुम सलाम। ये ले अम्मा। ये क्या? मेरी मेहनत की पहली कमाई। कमाई? तूने कौन सा काम शुरू कर दिया? रिक्शा चला रहा हूँ। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुझे पता है आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रात है अम्मा। बकवास ना करते, मैं तो भूल ही गई। देख शराफत, मर्द ना कमाए ना तो कोई औरत साथ गुजारा नहीं करती। ये तो चंदा है ना, ये सबर वाली इतनी अच्छी लड़की है जो अभी तक निभा कर रही है। कोई और लड़की होती तो कब की जा चुकी होती। ठीक कह रही अम्मा। अम्मा बस अब तू अनायत की शादी की फिक्र कर, मैं अपना खर्चा खुद ही कर लूंगा। हाँ मैं कल ही जाके खालदा से बात पक्की करती हूँ। चल ठीक है, तू आराम। अरे ये पैसे तो लेता जा। मेरी प्यारी अम्मा, तेरे मेरे, अल्लाह तुझे खुश रखे। दे आया अम्मी जान को पैसे? हाँ जानती है, अम्मा का चेहरा खिल के गुलाब हो गया था। इतनी खुश थी, इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकता। शराफत आपको पता है माँ अपनी औलाद की कमाई से बहुत खुश होती है। अरे वाह चंदा रानी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। मुझे तो पता ही नहीं था, पहले क्यों नहीं किया? पहले आपकी नाक पे हवा गुस्सा जो धरा रहता था। सब अब नहीं करूंगा। ठीक है फिर, मैं भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें ही किया करूंगी। अच्छा जी। हाँ जी। ये दवाइयाँ किसकी हैं? वो ये अरे बताओ ना किसकी हैं? कौन खाता है ये दवाइयाँ, किसकी हैं? फौजिया की अम्मी की दवाइयाँ हैं। फौजिया की अम्मी की दवाइयाँ हमारे घर में क्या कर रही हैं? आज ना फौजिया अपनी अम्मा की दवाइयाँ लेने हॉस्पिटल गई थी, वहां से सीधा मुझसे मिलने आ गई थी। मेरा ख्याल है जाते हुए यहीं भूल गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कल वापस ले आऊंगा। अरे आप क्यों तकलीफ करेंगे, फौजिया आएगी ना तो वो खुद ही ले जाएगी। अरे भाई इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है, तुम्हारी बचपन की सहेली है और मेरी होने वाली भाभी है, और जानती हो देखा वाले दिन मैंने उसको बहुत डांटा था। तो अच्छा है ना उसके काम आ जाऊंगा। चलो मैं यहां से सुबह ले जाऊंगा। अच्छा और कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं चंदा रानी के पास? अरे वाह भाई आपने तो कमाना शुरू कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बहुत खुशी हो रही है। भाई कमाल है, यकीन ना आने वाली बात पर तुम्हें खुशी हो रही। वैसे भाई ये इनकलाब आया कैसे, हुआ क्या? भाई अल्लाह किसी को भी इस तरह सीधे रास्ते पर ना लाए जैसे वो मुझे लाए। दिल छोटा नहीं करते शराफत, तू अब खैर से सीधे रास्ते पे है, और जो सीधे रास्ते पे होता है ना अल्लाह उनकी खुद ही मदद करता है। तू देखना इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी तुझे। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे अम्मा। चंदा वो दवा का लिफाफा ले आ। आप काम पर जाए ना, इनायत दे आएगा। अरे भाई अनायत वहां का होने वाला दामाद है, इस ना के छोटे मोटे काम करता है, अच्छा लगेगा। जाओ जाओ लेके आओ। किस लिफाफे की बात कर रहे तू शराफ? अरे अम्मा वो फौजिया अपनी अम्मा की दवा का लिफाफा भूल गई यहाँ पे, मैंने सोचा जाते हुए वापस दे दूँ। ओ अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, जरूर ले जा। और हाँ जाते हुए खालदा को मेरा सलाम भी कहना। हाँ हाँ कह लूंगा। ये ले। ला दे रानी। अच्छा अम्मा ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मेडिसिन तो भाभी की है, लेकिन भाई ये मेडिसिन लेकर क्यों जा रहे हैं? Thank you.
भाभी वो तो आपकी मेडिसिंस थी ना? हाँ। तो भाई के हाथ कैसे लग गई और वो फौजिया के घर देने क्यों गए, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वो कल तुमने मुझे दवाइयां लाके दी थी ना, मैंने तकिए के नीचे छुपा के रख दी थी, शराफत की नजर पड़ गई, उन्होंने पूछ लिया किसकी दवाइयां हैं। घबराहट में मैंने कह दिया फौजिया भूल गई है, उसकी अम्मी की दवाइयां हैं। लेकिन भाभी अगर शराफत भाई खालदा आंटी के घर जाएंगे दवाइयां देने के लिए और उन्होंने कह दिया कि दवाइयां उनकी नहीं है, फिर क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, शराफत को शक हो गया तो अल्लाह अल्लाह करके तो ठीक हुए हैं, फिर नाराज हो गए तो। भाभी आप परेशान मत हो, मैं फौजिया को फोन कर देता हूँ, उससे कहूंगा कि दरवाजे पे ही शराफत भाई से लिफाफा ले ले, फिर मैं जाके दवाइयां ले आऊंगा। ठीक है तुम उसको जल्दी से बताओ। क्या हुआ? फौजिया का फोन तो बंद है। हाँ वो अभी क्लास में होगी ना, तुम एक काम करो उसको मैसेज छोड़ दो, अल्लाह करे फोन ऑन करते ही देख लिया वो मैसेज। कर दिया मैसेज। बस अल्लाह करे फौजिया टाइम पे मैसेज पढ़ ले। क्या मैसेज किया फौजिया को? कोई नहीं कुछ नहीं। नहीं मैंने खुद सुनाया, अभी तुम कह रही थी कि फौजिया खुदा करे मैसेज पढ़ ले। अमी इनायत को मैंने कहा था कि फौजिया को मैसेज करे, वो खैरियत पूछती थी, तबीयत का पता करना था अब्बा की। क्या हो गया चंदा, कान को इधर से क्यों पकड़ रही हो? जी क्या मतलब? मतलब ये कि भाई पहले फौजिया मैसेज पढ़ेगी, फिर अख्तर भाई के पास जाएगी, फिर उनसे तबीयत पूछेगी, फिर तुम्हें बताएगी। जी अम्मी जान। सीधे से अपनी अम्मी को फोन क्यों नहीं कर लेती तुम? चल नायत भाभी को रुखसाना का नंबर मिला के दे। वो अम्मी मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है। अम्मी इसीलिए तो मैसेज किया था, कॉल नहीं मिल सकती थी। चलो ठीक है तुम जाओ मेरे कमरे से फोन लेके उस पे मिला। चलो जी। मैं भी जरा बैलेंस डलवा लूं मोबाइल में। आओ बेटा आओ 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 बैठो। खाला मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो चाय पी के जाना। अरे खाला मैं नाश्ता करके आया हूँ। नाश्ता किया चाय मैं पिलाऊंगी। अरे तुम मेरी फौजिया के जेठ हो और अगर मैंने तुम्हें कुछ खाने पीने को ना पूछा तो वो आसमान सर पे उठा लेगी। बैठो बेटा मैं दो मिनट में चाय लेके आई। बैठो बैठो। फौजिया कहाँ हो तुम, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें? तुम्हें मालूम तो है कि मैं इस वक्त क्लास में होती हूँ, सब खैरियत तो है? फौजिया कल जो दवाइयाँ हम चंदा भाभी के लिए लेकर आए थे ना वो लिफाफा शराफत भाई के हाथ लग गया है। फिर
फिर ये कि शराफत भाई वो लिफाफा लेकर तुम्हारी अम्मी को देने गए हैं। मगर चंदा की दवाइयाँ अम्मा को क्यों देने गए शराफत भाई? अरे भाई बात ये है कि हेलो, हाँ फौजिया, फौजिया वो रात को ना दवाइयों का लिफाफा शराफत ने देख लिया था, उन्होंने मुझसे पूछा, डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने कह दिया वो दवाइयाँ तुम्हारी अम्मी की हैं। अब शराफत वो लिफाफा लेके तुम्हारे घर गए हैं और मुझे डर लग रहा है, तुम किसी तरह शराफत से वो लिफाफा ले लो। ये बात तो तुम्हें रात में मुझे बता देनी चाहिए थी। नहीं बता सकी ना बहन, संभाल लो किसी तरह प्लीज। मैं अगर रक्षे पे भी जाऊँ तो 20 मिनट लग जाएंगे, इतनी देर में तो सारा भांडा फूट जाएगा। हो सकता है शराफत अभी पहुंचे ही ना हो, तुम अपनी तरफ से तो जल्दी निकलो ना। अच्छा अच्छा जाती हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे। परेशान मत हो, अब जो होना था वो तो हो गया, फौजिया उनसे ले लेगी तो अच्छा होगा। अरे बेटा परेशान ना हो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, चंदा को अल्लाह फिर खुशी दिखाएगा, तुम परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया खाला। अरे बेटा परेशान क्यों होते हो, ये दुनिया है, यहाँ हादसे होते रहते हैं। जो मेरे अल्लाह की रजा। अच्छा खाला मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम आए किस लिए थे। अरे हाँ खाला सच ये दवा वापस लौटाने। लेकिन ये किसकी है? कल फौजी आई थी चंदा से मिलने के लिए, तो चंदा के कमरे में आपकी दवा भूल गई। मेरी दवा? अरे बेटा तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिली। क्या मतलब? मैं हट्टी कट्टी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये दवाएं मेरी है ही नहीं। अगर चंदा तो कह रही थी कि ये दवा आपकी है। नहीं बेटा उसने तुमसे मजाक किया होगा, पूछो जाके उससे ये किसकी दवाएं हैं। अल्लाह। मैं ठीक हूँ फौजिया, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रही है? मेडिसिन्स लेने आई हूँ। स्टोर से? नहीं शराफत भाई, ये जो आपके हाथ में है ये अम्मा की है। अगर तेरी अम्मा ने तो बोला था ये उनकी नहीं है। अरे नहीं शराफत भाई, अम्मा दवाइयाँ खाने की चोर है, बड़ी मुश्किल से खिलानी पड़ती है। मेडिकल स्टोर वाले से पूछता हूँ कि ये दवाइयाँ किस मर्ज के लिए हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि चंदा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। शराफत भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फौजिया, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रही है? मेडिसिन्स लेने आई हूँ। स्टोर से? नहीं शराफत भाई, ये जो आपके हाथ में है ये अम्मा की है। अगर तेरी अम्मा ने तो बोला था ये उनकी नहीं है। अरे नहीं शराफत भाई, अम्मा दवाइयाँ खाने की चोर है, बड़ी मुश्किल से खिलानी पड़ती है। मगर फौजिया तेरी अम्मा को क्या बीमारी है जो इतनी ज्यादा दवाइयाँ खाती है? अम्मा को टीबी है। टीबी? जी कल ये दवाइयाँ मैं अस्पताल से लेकर आई थी और वापसी पर चंदा के कमरे में भूल गई। ये ले। शुक्रिया शराफत भाई, मैं चलूं, चंदा को मेरी तरफ से जरूर पूछेगा। भाई अपनी अम्मा का ख्याल रखना, ये टीबी बहुत मौजी बीमारी है। जी शराफत भाई, लड़ लड़ के दवाइयाँ खिलाती हूँ, बस आप दुआ किया करें। हाँ माएं होती ही ऐसी हैं। चला मैं तो छोड़ दूँ। नहीं शराफत भाई, मैं चली जाऊंगी। पक्की बात? की बात। अल्लाह हाफिज़। मैंने बिला वजह फिर चंदा पर शक किया। फौजिया को कॉल करके पूछो ना वो घर पहुंची है कि नहीं पहुंची। अरे भाभी मैंने आपसे कहा है ना कि वो पहुंचते ही कॉल करे, ये देखा आ गई कॉल। हेलो, हाँ फौजिया, ये ले बात। हेलो, हाँ फौजिया मिले शराफत तुमसे? हाँ मिल गए थे और मैंने बहाना बनाकर दवाइयों का लिफाफा भी ले लिया। खुदा का शुक्र, शराफत को शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं,
मैं रुखसाना खाला के साथ आ रही हूँ, मेडिसिन लेती आऊंगी। शुक्रिया फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है फौजिया ने सब कुछ संभाल लिया। कह रहा था आपसे, अब टेंशन दूर होगी थोड़ी थोड़ी। शुक्र, चाय पिला देंगे? रंगू, अबे कहाँ था तू, कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा था? रिक्शा चला रहा था, पता ही नहीं चला। लंदन वाला काम ही जानता है ना? हाँ वो बहुत बड़ा जवारी है, कल लंदन से आया बहुत सारे पैसे लेकर। तो मुझे कह रहा था आज रात को गेम खेलनी है, मैंने अज्जू भाई के डेरे पे बुला लिया उसे। तू मुझे क्यों बता रहा है? 80,000 रुपया मेरे पास, अगर तू आ जाए ना आज मेरे साथ तो 5-10 लाख लेकर उठेंगे। नहीं काकू, मैं जवानी करूंगा, मैंने तो बात कर ली। अच्छा अच्छा, आज आखिरी बार मेरे कहने पर खेल लो, फिर भले मत खेलना। काकू यार, मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अब और कुछ भी गवाने की हिम्मत नहीं। मैं अपने रब को और नाराज नहीं कर सकता। माफ कर दे यार, धंधे का टाइम हो रहा है। अरे यार, ये तो सचमुच का सूफी हो गया। इनायत को देखकर बाइक चलानी चाहिए थी, मालूम भी था उसे कि तुम्हारी हालत ऐसी है। माँ, इनायत की गलती नहीं थी, तो कार वाले ने टक्कर मार दी थी। गलती जिसकी भी हो, अरे नुकसान तो हमारा हो गया ना। क्या क्या ख्वाब देखे थे, सब टूट गए। खाला आप फिक्र ना करें, जिसने पहले खुशी दी थी वो दोबारा भी खुशी देगा। हामी मेरी बच्ची, बस तुम सब्र से काम लो, अल्लाह तुम्हारी गोद जरूर हरी करेगा। ये एक माँ की दुआ है तुम्हें। अब्बा कैसे हैं? कैसे होंगे, वही बिला वजह की मुखालफत, खामखा का गुस्सा। कह रहे थे चंदा की नहुसत उसके बच्चे को खा गए। अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखे। चंदा माँ, मैं जरा ताहिर बहन को मिलकर आती हूँ, सीधा तुम्हारे कमरे में आ गई है ना घर पे। अम्मी जान अपने कमरे में ही है। आती हूँ। फौजिया दवाइयां लाइयो। हाँ पानी नहीं है। पी लो। क्या बहुत दर्द हो रहा है? तेज होता जा रहा है। तुम लेट जाओ। चंदा ये दवाइयां कहाँ रखनी है? ड्रेसिंग टेबल की साइड वाली ड्रॉअर में रख दो, अंदर करके रखना। दवाइयों को छुपा के रखा करो, दोबारा शराफत भाई के हाथ लग गई तो मसला हो जाएगा। अजिया
बस अपनी जल्दी से इस घर में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम कोशिश करो तो मैं कल ही आ सकती हूँ। मैं आज ही अम्मी जान से बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि कल ही वो तुम्हारे घर तारीख तय करने आ जाए। क्यों, कल ही क्यों? अरे अम्मी जान, सियाने कह गए हैं कि निकाह में देरी कैसी, देख लेना शराफत भी कितने बदल गए हैं, कितने मसले हल हो गए। इनायत कब से इंतजार कर रहे हैं बेचारे को, और तो इंतजार ना करवाएंगे। क्यों भाई, ठीक कह रही मम्मी, भाभी कभी गलत कह सकती हैं। ठीक है शराफत आ जाए तो उससे मशवरा करती। अरे मम्मी जान, आपको शराफत से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उन्हें बताना है। अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं, धीमे हो गए हैं, आपने सिर्फ उनसे कहना है कि कल जा रहे हैं और वो आपको कहेंगे कि जी अम्मी जान जो आपका होगा। ठीक ऐसे कहूंगी। ठीक है फिर, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो इसका मतलब है तय हो गया कि कल हम इनायत की बात पक्की करने जा रहे हैं। चंदा तू फौजे की अम्मी से बात कर ले, मैं कल की तैयारी कर लूं। लगता बाहर कोई आया, तू बात कर। कौन? हेलो जी शराफत भाई, मिसेस शराफत बात कर रही हूँ। जी बोलिए। अंकल तारीख रखने आ रहे हैं आपके यहाँ देवरानी जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने, कल किस वक्त? अम्मी जान कह रही हैं कि असर के बाद आएंगे। पहले आ जाओ ना, फजर के वक्त भी आए ना तो शादी उसी तारीख को होगी जो हम कल तय करने आ रहे हैं। चंदा कल नहीं हो सकती। शर्म करो लड़की। अच्छा खाला को बता देना कि हम लोग कल आएंगे, ठीक है? अभी बताती हूँ, तुम फोन तो बंद करो। हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मा अम्मा अम्मा। अरे क्या हुआ, इतनी भुखलाई हुई क्यों हो? अम्मा कल इनायत के घर वाले आ रहे हैं मेरी तारीख रखने के लिए। तुम्हें किसने बताया? अभी चंदा की कॉल आई थी, कल तारीख रखी जाएगी और उसके बाद रुख्सती। बहुत बेशर्म हो भाई तुम। लड़कियां अपनी शादी पे खुश जरूर होती हैं, मगर उसका इजहार इस तरह नहीं करती जैसे तुम कर रही हो। अम्मा मुझे शादी की नहीं बल्कि इस बात की खुशी है कि मैं चंदा की खिदमत करूंगी, उस घर में जाने की खुशी है। और तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी ये सोचा है तुमने? तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बगैर कैसे जिएगी? अम्मा अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी। पर यार ये तो मैं मजाक में कह रही थी। मैं यही सोचूं कि अम्मा का दिल इस कदर मोहब्बत से कैसे भर गया मेरे लिए। अच्छा खैर कल असर की बात, ठीक है? तुम्हारे बाद ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा बेटा। भाई खालदा बहन, मुझे तो फौजिया तीन कपड़ों में चाहिए, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, कुछ जरूरत नहीं। बेशक सब कुछ है लेकिन मैं अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगी ना, अब बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती। खालदा बहन मुझे तो इस महीने की आखिरी तारीख चाहिए, तुम तैयारी में लग गई ना तो फिर तो बहुत आगे बात चली जाएगी। आज 15 तारीख है, इस महीने में तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, अभी तो जहेज भी बनाना है। अरे खाला जब अम्मी जान कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप क्यों बिला वजह जहेज के चक्कर में पड़ रही हैं? अरे खाला लुबे लुबाब ये है कि अनायत अच्छा कमाता है तो आपको खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे क्यों सोच रही हो, कुछ मत सोचो, मुझ पे यकीन रखो मैं फौजिया को कभी जहेज का दाना नहीं दूंगी। खाला आपको पता है अम्मी जान बहुत अच्छी है, मुझे कभी अम्मा की कमी भी नहीं महसूस होने दी, अम्मा तो फिर भी एक दो लगा देती थी,
अम्मी जान ने कभी गुस्से में बात तक नहीं की। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब ये बताइए कि कौन सी तारीख रख रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल में 27 तारीख को जुमा है, मुबारक दिन है। 27 ठीक है। मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे, मुंह मीठा करा। तायरा बहन, जो चीजें मैंने फौजिया के लिए बना रखी है ना, वो मैं जरूर दूंगी। अरे खाला जरूर दीजिएगा, पहले मुंह मीठा करें। जरूर दे देना भाई, लेकिन इसके अलावा कोई तकल्लुफ करने की जरूरत है। अच्छा ठीक। मेरी बहन जानती हूँ चंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी मोहब्बत और सबसे प्यारी सहेली का साथ मिल गया। वो तो ठीक है, मगर आज के बाद मैं तुम्हारी जिठानी भी हूँ, मेरी हर बात माननी होगी। जी जिठानी जी, हुक्म करें। बर्तन धोगी? धो लूंगी। पूरे घर की सफाई करनी होगी? कर लूंगी। कपड़े? कपड़े कौन धोएगा? धो लूंगी। सारी जिंदगी मेरी जी हुजूरी करनी होगी? जी जी, सारी जिंदगी जी हुजूरी भी कर लूंगी। पागल, जिंदगी है ही कितनी, बहुत जल्द छोड़ जाऊंगी तुम्हारा साथ। अल्लाह ना करे चंदा, कितनी बार कहा है कि बदफाल मुझसे मत निकाला करो। बदफाल की बात नहीं, यही हकीकत है फौजिया। चंदा आजा बेटी। क्या मतलब है इतनी सादगी से? अम्मी मैं धूम धड़के से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन भाई क्यों? पहले तो तू कह रहा था कि 7-8 लाख रुपया तक लग जाएगा, और अब अचानक इतनी सादगी से करने का इरादा है, क्या हुआ? हाँ पहले बात कुछ और थी ना। पहले क्या बात थी और अब क्या बात है? मुझे चंदा भाभी का इलाज करवाना। बोलना, खामोश क्यों है? अम्मी हम बचपन से किराए के घर में रहे। हाँ तो? तो ये कि हमें अब अपना घर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा सा। अब आप देखें ना, शराफत भाई की शादी हो गई है, उनके बच्चे होंगे, मेरी शादी होगी, तो थोड़ा अच्छा घर होना चाहिए, और उसके लिए मुझे कम से कम 50 लाख की जरूरत पड़ेगी। हाँ बात तो तेरी ठीक है, अपने घर की तो बात ही और होती है। ऐसे पलक झपकते महीना गुजर जाता है, नूर भाई आ जाते हैं किराया लेने के लिए। ठीक है, तो घर के लिए पैसे जोड़, मैं खालदा से बात करूंगी। लेकिन बेटा वलीमा तो करना ही पड़ेगा, चाहे 100 लोगों का ही करे। हाँ वलीमा तो करेंगे, बल्कि खालदा आंटी साहब कह दें कि वो अपनी तरफ से 100 लोगों को दावत देते, और हमारी तरफ से जरूरी 50 लोग होंगे, तो हो जाएगा वलीमा। हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ खालदा से।